दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों रीट शिक्षक भर्ती 2020 सहित अन्य भर्तियों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रीट शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर जो अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, और मीटिंग में सैद्धांतिक सहमति का मतलब था कि फरवरी में एग्जाम करवाई जा सकती है, लेकिन उसकी फाइनल अप्रूवल सरकार की तरफ यानी कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिलने की उनसे मिलना बाकी था। और हाल ही में माननीय शिक्षा मंत्री से मैंने मुलाकात की थी, मैंने बात भी रखी थी, तो सकारात्मक आश्वासन मिला था। वो मुख्यमंत्री जी से संबंध में बात करेंगे और उन्होंने कहा कि जल्द ही जो हम लोग मांग कर रहे हैं उस मांग के अनुसार एग्जाम हो सकती है। हम मांग कर रहे हैं कि लोग जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि भर्ती परीक्षा हो, हालांकि कुछ लोगों के मेरे पास कॉल आए कि भर्ती बहुत लंबी जानी चाहिए, फरवरी में एग्जाम नहीं होनी चाहिए। ये मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, जब 2 अगस्त को एग्जाम हो जाती तो तुम लोग क्या करते, फिर 2 सितंबर आ गई, अब संभावना फरवरी की सबसे ज्यादा संभावना है। एक बार मैं पुनः सभी साथियों कह दूं कि वो अपनी तैयारी यथा रूप से चालू रखे। जो परीक्षा तिथि, जो सैद्धांतिक सहमति, जो संभावनाएं बताई जा रही थी वो फरवरी पर है, यानी कि बोर्ड की परीक्षाओं से पहले फरवरी की है। और यदि आप लोग ऐसे ही उलझते रहोगे, ऐसे ही आप लोग फालतू मांगे करते रहोगे, तो एग्जाम बहुत लंबी चली जाएगी। ऐसे में जो शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है, अधिकारी से मुलाकात की है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं से पहले हो, ऐसे में फरवरी में आपकी परीक्षा हो सकती है। मेरे सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि वो अपनी तैयारी जारी रखें। ऐसा नहीं जो स्कूल व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर काफी लोग घर बैठे रहे कि परीक्षा बढ़ेगी, तारीख आगे जाएगी, ये होगा, वो तैयारी नहीं करें, उनको बड़ा नुकसान हुआ था। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। दोस्तों शिक्षा मंत्री जी के लगातार बयान आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, मीडिया में मैंने भी बयान देखे हैं। अब जो कई लोग कह रहे हैं कि उपेन यादव कह रहा है कि फरवरी में एग्जाम हो सकती है, मैं संभावना बता रहा हूँ, 100% संभावना बता रहा हूँ। परिस्थिति आपका बदल जाए, हम लोगों ने 2 अगस्त सुनी, फिर 2 सितंबर सुनी, कोरोना आ गया, स्थितियां बदल गई, नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना काल था, लेकिन जो सैद्धांतिक सहमति थी वो फरवरी की बनी थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले जयपुर में बड़ी खबर लगी थी कि न पैटर्न में बदलाव, न शिक्षक भर्ती बदलाव, फिर रीट क्यों नहीं हो रही। उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव का बयान भी आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि हमारी संबंध में मीटिंग हो चुकी है, सरकार के दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। और आप लोगों को भी मैंने सूचना दे दी थी कि 11:30 बजे मीटिंग होगी, वो मीटिंग होगी थी। मीटिंग में जो क्या हुआ मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्योंकि दोस्तों लोग आपको केवल गुमराह कर सकते हैं कि ये और हम कुछ नहीं करेंगे, वो सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों की माननीय शिक्षा मंत्री से उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी जो आप लोगों को एक तरह से मोहरा बनाकर आपके साथ गेम खेलते हैं, जबकि लगातार हम प्रयास करते हैं। दोस्तों धरना हो, प्रदर्शन हो, अनशन हो, उसके बाद वार्ता तो करनी पड़ती है, लेकिन कोरोना काल चल रहा है, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, हम मुलाकात भी कर रहे हैं, हमारी बात सुनी भी जा रही है, आज हमसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम कुछ नियमों में संशोधन हो, पारदर्शिता रहे। लेकिन दोस्तों जो एक एक जो अखबार में खबर आने के बाद कह रहे हैं कि फरवरी में कैसे एग्जाम होगी, नियमों में संशोधन हो रहा, तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा होने के बाद जो शिक्षक भर्ती के अलग नियुक्ति बीकानेर निदेशालय जारी के द्वारा जारी की जाती थी पूर्ववर्ती भर्तियों में, जो रूल्स में जो बदलाव हुआ था, जो वेटेज जोड़ा गया था, जो 70-30 का जो फार्मूला लागू हुआ था, वो हाईकोर्ट ने 2016 की विज्ञप्ति खारिज कर दी थी लेवल 2 की, उसके बाद पंचायत राज एक्ट के तहत रूल्स में बदलाव हुआ था। अब जो 90-10 की आधार जो हम लगातार मांग कर रहे थे, हमारी जो संघर्ष हम कर रहे थे कि वेटेज बिल्कुल कम किया जाए, खत्म किया जाए, 95% किया जाए, लेकिन जहां तक सैद्धांतिक सहमति बनी है वो बनी है 90-10 तक, तो उसमें जो अमेंडमेंट होगा, जो बदलाव होगा पंचायत एक्ट में होगा और पंचायत राज विभाग के द्वारा उसकी पहल की जाएगी। तो दोस्तों वो शिक्षक भर्ती के नियमों में चेंज होगा, और जो रीट जो पात्रता परीक्षा है, जिसके एनसीटी जो नियम उनका जो सिलेबस तय करके कोई बदलाव नहीं है, उसी सिलेबस के आधार पर आप तैयारी करें, बस यही है कि उसकी परीक्षा तिथि जारी होनी है। पैटर्न ये स्थिति सरकार की घोषणा, आधिकारिक घोषणा बाकी है कि हम लोग वेटेज कितना कम कर दिया और कितना वेटेज रहेगा, वो सरकार की माननीय शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी की सरकार की घोषणा बाकी है। लेकिन जहां तक हम प्रयास कर रहे हैं कि वेटेज कम किया जाए, पहले प्रयास खत्म किया जाए, लेकिन सरकार ने कहा कि सरकार ने क्या आपको पता है कोर्ट का निर्णय था कि पात्रता के आधार पर लेवल 2 में नहीं हो सकता, तो सरकार ने वो जोड़ा था, फिर हमने मांग की थी 95% हो, सरकार का 95% वेटेज कम हो जाएगा, कोर्ट में भर्ती अटक जाएगी, जो हमने लीगल ओपिनियन दी एडवोकेट की, तो कहीं भर्ती अटक जाए, इसलिए हम 90-10 के विचार करें। अब 90-10 की घोषणा, आधिकारिक घोषणा बाकी है। सवाल उठता है कि रीट 2020 फरवरी में हो सकती है, इसके लिए मैं खुद लगातार प्रयास कर रहा हूँ, लगातार आपकी बात रख रहे हैं,
प्रयास कर सकते हैं, वो प्रयास बेहतरीन कर रहे हैं और मुझे लगता है फरवरी में आपके एग्जाम हो सकती है, पूरी संभावना है। हालांकि ये भी प्रयास है कि जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री जी, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करें, जिससे लोग घर पे बेझिझक होकर तैयारी कर सके, क्योंकि अभी तक घोषणा नहीं है, तो लोग कह रहे हैं कि घोषणा हो तो उसके बाद कई लोग तो किताब पढ़ना शुरू करेंगे। तो जहां तक जो हम प्रयास कर रहे हैं, हम जो बात रख रहे हैं, जहां तक जो बात निकल के आएगी, जो सैद्धांतिक समिति फरवरी के लिए बनी थी, आगे राज्य सरकार को निर्णय लेना कि फरवरी में एग्जाम करवानी है या फिर फरवरी के बाद करवानी, फरवरी के बाद मानसिकता बोर्ड की एग्जाम हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को, इसलिए कि मान लीजिए फरवरी में एग्जाम हो जाएगी, आप तैयारी नहीं करोगे तो क्या होगा, इसलिए आप फरवरी को मानकर आप तैयारी करिए, आगे सरकार को अंतिम निर्णय लेना है, लेकिन हम प्रयास फरवरी के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप फरवरी के हिसाब से तैयारी करिए। वेटेज कम होगा, जो हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा, जो लगातार फर्जी डिग्री लेके आ रहे थे तो उनके सपने धूमिल होंगे, क्योंकि फर्जी डिग्री वालों को हम चलने नहीं देंगे। इसलिए रीट 2020 के अभ्यर्थियों से यही है कि जो बदलाव होगा वो शिक्षक भर्ती के पैटर्न में होगा, कि वेटेज कितना कम किया है उस पर होगा। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स दिव्यांग है, विधवा है, उनके उनको भी छूट दी जाए, उस पर भी विचार चल रहा है, तो उसमें भी बदलाव होगा कि उनको छूट कितनी दी जाए, 5%, 10% जो भी है ना, उस पर भी चर्चाएं चल रही है, उस पर भी पहल चल रही है, तो वो भी संशोधन होना बाकी है। इसके अलावा दोस्तों ये तो रीट 2020 को लेकर है, मैं उन साथियों को समझाना चाहूंगा, भाई मुझे आपकी पीड़ा पता है, मैं एक आपकी बात पूछा सकता हूँ सरकार तक मीडिया के माध्यम से, जो लगातार आपने अखबारों में पढ़ा, बड़ी खबर आपकी आई होगी, मीडिया में भी आपकी आवाज उठाई है, सरकार तक भी आपकी आवाज पूछा रहा हूँ, जो मेरा फर्ज है, मैं आपके साथ हूँ। जो लोग आपको एक दिन गुमराह करके 10 दिन गायब हो जाए वो आपकी देशी नहीं हो सकते, जो आदमी लगातार आपके लिए प्रयास करे वही आपके देशी हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, कई चीजें होती है, अभी मेरे जो 18 शिक्षकों के मुकदमे वापस हुए, इसके अलावा जो मेरे आज भी लगातार रामविलास चौधरी है, और भी दो उसका नाम ताराचंद चौधरी है, इनको राजस्थान पुलिस की भर्ती में उनके जो तलवार लटकी वो निकाल दिए, उनके भी उन साथियों कहना चाहूंगा, आपकी फाइल कुटम मैंने करवा दी है, जल्दी आपके मुकदमे वापस होंगे, जो मैंने आपके परिवार से आपसे वादे किए थे कि आपकी नौकरी नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितने लोग गाली दें, चाहे मुझे गुलाम कहे, दलाल के कहे, लेकिन मैं आपकी नौकरी बचाने का वादा किया, नौकरी बचाऊंगा, आपके मुकदमे वापस होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो पहले 18 मुकदमे हैं वो शिक्षा मंत्री जी की सहयोग से उन्होंने हमारा मदद की, तो वो मुकदमे वापस है, और ये जो मुकदमे वापस है उसमें भी माननीय शिक्षा मंत्री जी का पूरा सहयोग है। और इसके अलावा दोस्तों जो मैं बात चर्चा कर रहा था 2020 की, आपके सामने जो है यथास्थिति है, जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाए, जब तक परीक्षा तिथि जारी नहीं हो जाए, मैं पूरा प्रयास करूँगा। आज शिक्षा मंत्री जी भीड़ बढ़ गए हैं, मैं व्यक्तिगत भी और भी सक्षम अधिकारी के रूप में मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज मैं सेक्रेटरी साहब से नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हम इस पे जल्द ही मीटिंग लेंगे, और जल्द ही जो हमने पूरी मीटिंग में जो निर्णय लिया गया किस आधार पे क्या करना है, वो चीज़ें भी बोले जल्दी हम इसको करवाने की कोशिश करेंगे। आज जो प्रशासन सचिव है उन्होंने आज हम मुलाकात की। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा, 20 की बात हो चुकी है, 18 की बात करना चाहूँगा, 18 वाले अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा, दोस्तों आपकी सूची घोषणा भी ना मना होने के बावजूद भी शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, जो आपकी शिथिलता का जो 6 महीने का नियम वाली फाइल सबसे पहले मैंने आपको बता दी थी, आपको मैंने सितंबर में ही बता दी थी कि नियमों संशोधन के लिए फाइल कार्यभाग होंगी, अभी भी कार्यभाग में फाइल है, आज भी मैं कार्यभाग जाके आया हूँ, कल भी जाके आएगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेडियो टीवी चैनल बल्कि आपको नहीं कहता फाइल वहां गई, मुझे फाइल नंबर सब कुछ पता है, लेकिन वो थोड़ा सा नियमों में संशोधन हो रहा है, शिथिलता उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, तो थोड़ा सा आपको संयम रखना होगा, थोड़ा सा समय के लिए जो नवनियुक्त सेक्रेटरी साहब बने उनसे भी मिल गया, उन्होंने कहा कि जैसे फाइल आएगी और जैसे फाइल आते ही हम लोग आपकी वो प्रक्रिया शुरू कर देंगे। जो लोगों ने मुझे कहा था कि जो लोग लगे हुए वापस उनका नाम रिपीटेशन होगा, रिपीट होगा, वो भी हमने शिकायत उनको कर दी है, इस आपको उनसे पूछा जाए, उनको हटाते हुए सूची आए, और जो पद जितने रिक्त हैं लेवल फर्स्ट और सेकंड उन पदों की सूची है वो भी बात रखी है, उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया मेरे साथ, आपके जो अभ्यर्थी मेरे साथ थे मौजूद, लेवल सेकंड का भी एक अभ्यर्थी था, लेवल फर्स्ट के भी दो अभ्यर्थी थे, वो संतुष्ट हो गया, अच्छा मैं रेस्पॉन्स मिला। माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी रेस्पॉन्स मिला था, उन्होंने ये कहा था कि 10 तारीख तक वेट करिए, आशा से हटने के बाद मैं जल्द से जल्द आपकी
सूची नहीं मैंने काम करूंगा, तो इसलिए दोस्तों माननीय शिक्षा मंत्री से तो 10 तारीख के बाद ही मिलेंगे, और जिससे पहले हम फाइल कार्य विभाग से शिक्षा विभाग पूछा नहीं बात कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से फिर माननीय शिक्षा मंत्री के पास आएगी। तो रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को यह कहना चाहूंगा, मैं मेरी तरफ से सजग हूँ, लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं छोटी छोटी सूचना आपको दे नहीं सकता, लेकिन यही है कि आपकी सूची के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, और इसी में आपको कुछ खबरें मिले इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। मैं अधिकारियों से मिल रहा हूँ, कार्य विभाग में जा रहा हूँ, और माननीय शिक्षा मंत्री से मिल रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा आपको इंतजार 2018 को अभ्यर्थी करना पड़ेगा। हाँ, काम होगा, सूची जारी होगी, तो मैं चाहता हूँ बेहतरीन से बेहतरीन सूची जारी हो और हर व्यक्ति को मौका मिले। ये इसके लिए दोस्तों एक पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के लिए, हालांकि इसमें काफी लोग कॉपी कर रहे हैं, ये भर्ती एक तरह से खत्म सी हो चुकी थी, हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया था, पंचायत राज विभाग की तरफ से एक जवाब दिया गया था हाईकोर्ट में कि ये भर्ती पूरी हो चुकी है। उसके बाद लोग खास इसके काफी प्रेशर, काफी लोगों मेरे पास लगे हैं, संविदा लोगों को लगे। इसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। अब लोग कहेंगे बार बार इस वीडियो में शिक्षा मंत्री जी का बार बार क्यों नाम ले रहे हैं, इसलिए बार बार नाम ले रहा हूँ, रीट लेवल टू का शिक्षा मंत्री जी द्वारा कार्य हो रहा है, बेरोजगार के जो दर्ज मुकदमे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा वो हमारी सहायता करें मुकदमे वापस हो रहे हैं, रीट 2020 में वेटेज कम हो उसके लिए शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं, और जो हम समस्या आपके रखे शिक्षा मंत्री ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा पंचायत राज एलडीसी में भी वो ध्यान दे रहे हैं, एसआई भर्ती 2016 में वो कह रहे हैं मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, 227 पद जुड़ जाए, तो यार इसलिए बार बार उनका जिक्र होगा, जो अच्छा काम करेगा उनका नाम बार बार भी आएगा, बार बार धन्यवाद भी देंगे। इसलिए पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 एक तरह से खत्म हो चुकी थी, जब मीटिंग हुई तो अधिकारियों ने कह दिया था ये साहब ये भर्ती पूरी होगी, लेकिन एक ये मंत्री थे जिन्होंने कहा था ये भर्ती पूरी नहीं हुई है, ये 10,029 परिवारों के भविष्य के सवाल, ये भर्ती पूरी होनी है, उन्हें मजबूती से बात रखिए, उनके बदौलत ये भर्ती जिंदा है। मैं आपके एलडीसी पंचायत राज 2013 के संग 3 बार मिला हूं, और 3 बार उन्होंने ये कहा कि ये भर्ती होगी और 10,029 परिवारों को न्याय मिलेगा, उन्होंने मजबूती से कहा कि कैसे नहीं होगी, अधिकारी के कहने से क्यों नहीं होगी, हम कहेंगे सरकार हमें और भर्ती होगी। तो 2013 के अभ्यर्थियों कहना चाहूंगा कि माननीय पीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी आपके पक्ष में मजबूती से आपकी बात रखें, जिसके वजह से आपकी भर्ती जिंदा है, आप लोग भी प्रयास करें, मेरा जितना प्रयास हो रहा है मैं कर रहा हूं। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इंतजार इस भर्ती के लिए करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब यानी कि जितना बेहतरीन प्रयास मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूं, 3 बार मिल चुका हूं, फिर मैं मिलूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को कुछ खबर मिले पंचायत राज एलडीसी 2013 के अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों पिछले जो मैंने ट्वीट किए थे, 3-4 ट्वीट किए थे, उसमें मैं रीट 2020-18 कंप्यूटर शिक्षक भर्ती तमाम भर्तियों के लिए मैं ट्वीट किया, लेकिन मैं कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का ट्वीट नहीं कर पाया था, नहीं संस्कृत विभाग जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि मैं संस्कृत विभाग की जो भर्ती के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों के साथ हम ज्यादातर काम करते हैं, उन अभ्यर्थियों के साथ मैं शिक्षा संस्कृत शिक्षा मंत्री जो सुभाष गर्ग साहब उनके घर पे गए, उनके जो वही दिन उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हमने फाइल शिक्षा संकुल भेज दी, आप हमारे नाम से जाके वहां मिलिए, वहां जाने के बाद पता चला कि वहां फाइल गई नहीं, फिर मुझे पता चला कि सचिवालय में, सचिवालय जाके फाइल निकलवा कर वो आपका काम करवाया, और उसी दिन हमने कहा दूसरे दिन आना कि वहां से फोन आ गया आपको आने की जरूरत नहीं है, अभी मंत्री जी ट्वीट कर देंगे, और उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि 10 तारीख से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिन लोगों को पता नहीं तो उन लोगों को बताना चाहूं कि हम लोग जो इस भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों के साथ मैं खुद मंत्री जी और शिक्षा संकुल और सचिवालय जाके आया था, उसके बाद माननीय मंत्री जी ने ट्वीट करके आपको कुछ खबरें दी, और 10 तारीख को आपकी नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी 10 तारीख को। तो उन्होंने शिक्षा उस संस्कृत शिक्षा मंत्री जी ने 10 तारीख के लिए ट्वीट कर दिया, 10 तारीख से आपकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमने जितना प्रयास हो सका, कई लोग कमेंट करते हैं संस्कृत शिक्षा सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी की नियुक्ति के आदेश ही नहीं हुए, तो उन लोगों के लिए हम मैं खुद जाके आया था, उसके बाद आपके आदेश हुए, आपको शुभकामनाएं। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक की मैं बात कर रहा था, उस दिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो सेक्रेटरी चेंज हो गए अब नए सेक्रेटरी से बात करेंगे, फाइल वित्त विभाग का मामला है कि बोले कि इस पे जल्दी ही हम कुछ करेंगे, और आज मैं सेक्रेटरी साहब से मिला तो इस संबंध में भी देखो कंप्यूटर शिक्षक जो भर्ती के इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी हूँ, मैं इस भर्ती को नहीं बुलाऊ, नहीं स्कूल व्याख्याता भर्ती को बुलाऊ, मैं हर बात आपकी बात मजबूती से रखता हूँ। माननीय मंत्री जी ने कहा था थोड़ा समय लग रहा है, पहले वाले अधिकारी जा चुके हैं उनकी जगह दूसरे अधिकारी आए, एक बार वो रूल्स और नियम जो भी बनाना है वो चल रहा है काम, इसके अलावा वित्त विभाग में भी काम चल रहा है, तो इसलिए मैं कंप्यूटर शिक्षक वालों को कहना चाहूंगा भैया आपके साथ हूँ, जब तक आपकी नियुक्ति जारी नहीं हो जाए मैं आपके साथ रहूंगा, पूरा प्रयास करूंगा, और हताश होने की आवश्यकता नहीं, आपका भाई आपके साथ है, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी आएगी, रीट 2020 भी आएगी, और स्कूल व्याख्याता के लिए प्रयास के, स्कूल व्याख्याता के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था, मंत्री जी ने यह कहा था पहले वाली व्याख्याता पूरी तो हो जाए, तो अभी तक उसकी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है, एक बार उसका फाइनल परिणाम आना है पहले वाले का, उसका परिणाम निकलवाना, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हो, उसके बाद ही नई स्कूल व्याख्याता भर्ती
आएगी। इसके अलावा दोस्तों 2016 साइंस मेथ की जो अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि जिस दोस्तों आपके कोर्ट की कॉपी आती है मुझसे मिल लेना, आपका जो पिछला जो आपके साथ धोखा हुआ संस्कृत भाग में डीबी में गए ऐसा धोखा नहीं होगा, आपका जो सुप्रीम कोर्ट में गए मैं प्रयास करके आपकी सूची लिखवाने की कोशिश करूंगा, सीधा मुझसे मिलना कोर्ट का पूछ लेते। इसके अलावा जो संस्कृत विभाग 2017 वाली वो डीबी में जा चुके हैं, जैसे ही वो फैसला है तो आपकी सूची जारी करवाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी सूची जारी होगी। पंकज जी पवन जी उनसे मेरी बात होती थी, एक बार वो आ जाए वरिष्ठ अध्यापक की मैंने बताया ऊर्जा विभाग में नहीं भर्ती आए जो टेक्निकल हेल्पर हो चाहे और भी ऊर्जा विभाग में जो उन्होंने घोषणा की थी कि सितंबर में क्या करना वो अभी तक नहीं आया। ऊर्जा विभाग में भर्ती निकालने की मांग हो आई एस भर्ती 2020 हो ग्राम सेवक हो एलडीसी कृषि परीक्षक पीटीआई भर्ती हो तमाम भर्ती की हम लगातार मांग करें कि नई भर्तियों का विज्ञापन जारी है उसके लिए भी हमारा प्रयास जारी है। दोस्तों लगातार मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रयास करें क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में ना धरना हो सकता ना प्रदर्शन से 144 धारा लगी, लेकिन मीडिया ट्विटर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हम आवाज उठा रहे। आप सीधा मुझे ट्विटर अकाउंट उपेन यादव पे आप जुड़ सकते हो, उसमें 153,000 जो मेरे फॉलोवर हैं वो मेरे ओरिजिनल आईडी है। मैं सबसे पहले मैं ट्वीट करता हूँ, वीडियो तो मैं बहुत कम डाल पाता हूँ, वीडियो बहुत कम डाल पाता हूँ, फेसबुक पे पोस्ट भी बहुत कम डाल पाता हूँ, लेकिन ट्विटर पर मैं रोज 3-4 भर्तियों संबंधित ट्वीट करता हूँ। तो आप सीधा आप मुझे ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, जो भी ताजा और जो अच्छी खबर होगी वो तुरंत आपको ट्विटर पर मिलेगी। तो सीधा आप उपेन यादव मेरा ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जिसमें 153,000 आप सीधा वहां जुड़िए। इसके अलावा दोस्तों मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा दूसरे वीडियो में और जब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।